thunderforest.com. सिकमोर शहर में साल की पहली बर्फ पड़नी शुरू हो गई। घर में बैठी 7 साल की मरिया और उसकी सहेली कैथी खिड़की से बाहर झांक रहे थे। सफ़ेद चादर से ढकती हुई सड़कें, पेड़ और घरों का नज़ारा काफ़ी मनमोहित था। मरिया अपने सहेली से बाहर जाके खेलने की इच्छा जाहिर करती है। कैथी हामी भरती हुई कहती है कि माँ से परमिशन लिए बिना बाहर जाना सही नहीं है। मरिया कहती है, ठीक है, माँ से पूछ के ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद मरिया किचन में जाके माँ से पूछती है कि माँ, मुझे बाहर जाके खेलना है। उसके मासूम चेहरे को निहारते हुए उसे कहती है, शाम का डिनर करने के बाद चले जाना। गर्म कपड़े पहने हुए कैथी मरिया के घर पहुँचती है और दोनों साथ मिलकर बाहर चले जाते हैं। मरिया के घर के पास उन्होंने डग द कास नाम का खेल खेला। कुछ देर बाद वे घर वापस जाने के लिए मुड़े। आगे पीछे दौड़ते हुए सड़क पर आने वाली कारों की हेडलाइट से बचते बचाते दौड़ रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने अपना नाम जॉन बताया और लड़कियों से अपने डॉल के बदले पिग्गी बैंक खेलने के लिए कहा। यह सुनकर मरिया घर जाती है। घर में पड़े पुराने डॉल लाकर उसे दे देती है। जॉन मरिया को पीठ पर बैठा लेता है। ठंड बहुत होने से कैथी के हाथ सुन पड़ रहे थे। कैथी मरिया को बोल के जाती है कि वह घर दस्ताने लेने जा रही है और कैथी चली जाती है। कुछ देर बाद जब कैथी वापस आती है तो उसने देखा कि मरिया और जॉन दोनों नहीं है। मरिया को काफ़ी देर ढूंढने के बाद कैथी मरिया के घर गई। सभी को बताया कि मरिया उसे मिल नहीं रही है। परिवार को सुर में लाया कि मरिया छिप रही होगी। उसकी 11 वर्षीय भाई को उसकी तलाश करने के लिए भेजा जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसे मरिया नहीं मिली तो वो वापस आकर अपनी माँ को बताता है कि मरिया मिल नहीं रही है। ऋतु फैमिली काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। वे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। खबर सुनते ही पुलिस पहुंच जाती है। 1 घंटे के अंदर पुलिस वहां के स्थानीय लोगों के साथ मरिया की खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन मरिया और इसमें आदमी का पता लगाने में नाकाम रहते हैं। FBI यह मान रही थी कि मरिया को किडनैप करके दूसरे स्टेट में भेज दिया गया होगा। FBI और लोकल पुलिस ने कई गवाहों से पूछताछ की जिन्होंने लड़कियों को शाम 6 से 6:30 बजे के बीच किसी अन्य व्यक्ति के साथ खेलते हुए देखा था। साथ में मरिया के फैमिली मेंबर से भी बात की और हर छड़ की जानकारी ली। FBI ने निष्कर्ष निकाला कि मरिया को 6:45 और 7 बजे के बीच अपहरण कर लिया गया था। कैथी सिंह मलिक मात्र गवाह थी जिसने जॉन को देखा था और उसे सुरक्षित महिला सदन में रखा गया था, क्योंकि पुलिस और FBI को डर था कि यह अपहरणकर्ता वापस आ सकता है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। यह किडनैपिंग अमेरिका के हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर थी। किडनैपर्स को पिग्गी बैंक किडनैपर के नाम से जाने जाने लगा। FBI के ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट का काफी प्रेशर था कि लड़की को जल्द ढूंढ निकाला जाए। स्थानीय पुलिस की मदद से संभावित संदिग्धों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई। कुछ दिनों बाद जांचकर्ताओं को पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय जॉन टेसर के ऊपर डाउट हुआ, क्योंकि वह कैथी के दिए हुए हुलिये से मैच करता था और उस इलाके में एक अजीब चरित्र के रूप में पहचान थी। जब वो 8 वर्ष का था तब टैक्सी से उसके सिर में चोट लग गई थी और उसकी फैमिली ने बताया कि इसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाया। जब FBI ने पड़ोस में रहने वाले और लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि जॉन ने स्कूल में अपनी टीचर के ऊपर जानलेवा हमला किया था जिससे लोग उससे डरने लगे थे। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो टीसर ने बताया कि किडनैपिंग के समय वह रॉकफोर्ड से शिकागो एयरफोर्स का फिजिकल एग्जाम देने के लिए जा रहा था और उसने ट्रेन टिकट भी दिखाया। टीसीआर द्वारा दिए गए सबूतों की जांच हुई। साथ में टीसर को झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था जिसमें वह सफल रहा। पुलिस की तरफ से टीसर को क्लीन चिट मिल गई। 10 दिसंबर 1957 को FBI ने यह रिपोर्ट यह कहकर बंद कर दिया कि संदीप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। इसके अगले दिन टीसीआर ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। 5 महीने बीत गए थे, पुलिस को मरिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। एक दिन सिकमोर से 100 किलोमीटर दूर एक कपल मशरूम का शिकार करने के लिए निकले थे। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास एक अजीब सी चीज़ का एहसास हुआ। जब वे पास गए तब उन्हें बदबू सी आई। जब पेड़ के सामने आके देखा तो हक्का बक्का रह गए। वहाँ मरिया की लाश थी जो सड़ चुकी थी। शरीर की पहचान मरिया रेडल्फ के रूप में दांत रिकॉर्ड, बालों की चोटी, शर्ट और मोजे के आधार पर की गई थी। मरिया के बाकी कपड़े जिसमें उसके कोट, स्लैक्स, जूते और एक अंडरगारमेंट्स नहीं मिले थे। अपराध स्थल पर कोई भी तस्वीर नहीं ली गई क्योंकि जेम्स फ्लॉन्ग नहीं चाहते थे कि बच्चे के शरीर की तस्वीरें अखबारों में लीक हो। यह घटना शहर के भीतर हुई थी इसलिए FBI को इस केस से हटा दिया गया और स्थानीय पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया। 40 साल बाद 1997 में पुलिस लेफ्टिनेंट सोलर ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि मरिया की हत्या करने वाला एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम विलियम हेनरी रेमंड था, जिसकी मृत्यु 1992 में हो चुकी है। उसके ऊपर और भी बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था और कैथी द्वारा दिए गए हुलिये से मैच भी करता था। सोलर द्वारा सबमिट किए गए रिपोर्ट्स की काफ़ी आलोचना हुई। सोलर ने माना कि अगर रेमंड जिंदा होता तो उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए सोलर ने कहा, मरिया केस क्लोज्ड बट नॉट सॉल्व, और इस संभावना को खुला छोड़ दिया कि भविष्य में शायद कोई सबूत मिल जाए। 2008 में जॉन टेसर की सौतेली बहन जेनेट टेसर की नई जानकारी के आधार पर मामला फिर से खोल दिया। जेनेट के अनुसार उनकी माँ एलेन टेसर ने
जनवरी 1994 में उनकी मृत्यु पर कहा था, उन दो छोटी लड़कियां और जो गायब हो गई, जॉन ने ऐसा किया, यह बात बताना होगा। 2008 में जेनेट ने इल्यूनिस राज्य पुलिस को एक ईमेल भेजा जिसमें यह लिखा कि जॉन ही मारिया का कातिल है। यह सुनकर पुलिस एक बार फिर से हरकत में आती है और मारिया का केस ओपन कर दिया जाता है। जेनेट की बहन कैथरीन और जीन ने जांचकर्ताओं को बताया कि जॉन ने लड़कियों को पहले छेड़ा, बाद में पिगी बैग खेलने के लिए कहा। जब मारिया ने नीचे उतरने को कहा तो उसने मना कर दिया। ये बात सुनने के बाद स्टेट पुलिस फिर से सारी कड़ियों को जांच शुरू कर देती है। नई जांच से पुलिस ने एक नई समय सीमा विकसित की जिसके तहत उसने मारिया का अपहरण शाम को 6:20 को किया, फिर लंबा सफर करके रॉकफोर्ट गया। ठीक शाम 6:57 को अपनी फैमिली को कॉल किया। उसके बाद 7:15 को एयरफोर्स के अधिकारियों से बातचीत की। इस नई समय सीमा के तहत पुलिस ने निर्धारित किया कि शाम 6:20 के बाद मारिया को किडनैप कर लिया गया होगा। एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन जोरों से शुरू हो गई। जेनेट ने सिकमोर हाई स्कूल की एक तस्वीर पुलिस को सौंपी जिसमें जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड थी। इस फोटो की वजह से पुलिस ने जॉन की गर्लफ्रेंड की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ निकाला। जॉन की गर्लफ्रेंड ने बताया कि जॉन ने जो टिकट FBI को सौंपी थी उस टिकट से उसने सफर ही नहीं किया, वापस सिकमोर 3 दिसंबर को आया था, मारिया को किडनैप कर वापस रॉकफोर्ट चला गया। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जॉन को इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब मारिया की हत्या कर उसे ठिकाने लगाने के बारे में पूछा जाता है तो गुस्सा हो जाता है और बाकी प्रश्नों को उत्तर देने से मना कर देता है। उसे मारिया को किडनैप कर हत्या करने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। उस महीने DNA के सबूतों की जाँच के लिए मारिया की बॉडी को उतारा गया पर कुछ भी मालूम नहीं चला। हालांकि फॉरेंसिक जाँच में यह पाया गया कि मारिया के एक लंबे तेज ब्लेड से कम 3 बार गले में मारा गया था। 54 साल पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तारी की खबर ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। सितंबर 2012 में मुकदमे की शुरुआत हुई। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जॉन मारिया के प्रति आकर्षित हुआ और उसे किडनैप कर मार दिया। जज को सौंपी नई रिपोर्ट में बताया गया कि मारिया को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कई गवाहों ने गवाही दी जिसमें मारिया के परिवार के सदस्य, पड़ोसी और कैथी सिगमेंट शामिल थे। डिफेंस लॉयर ने प्रोसिक्यूशन की दी गई दलीलों को गलत बताया और उन्होंने कहा कि रिडल्फ और टेसी फैमिली ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि जॉन ही खूनी है, उसने मारिया की हत्या की है। पर कोर्ट में जॉन ने अपने पक्ष में स्टैंड नहीं लिया। 14 सितंबर 2012 में कोर्ट ने गवाहों की बातों को ठोस सबूत मानकर जॉन को मारिया की किडनैपिंग और मर्डर करने के लिए उम्र की 3 सजा सुना दी। सजा के समय जॉन की उम्र 73 वर्ष थी। तो इस तरह सदी के सबसे पुराने मर्डर केस को सुलझाया गया। हालांकि जॉन ने 2015 में कोर्ट में अपनी सजा को माफ करने की अपील की है और उसका कहना है कि उसने मारिया की हत्या नहीं की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना पर आधारित वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।